हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। गाइस, हम सभी चाहते हैं कि हमारे लिप्स नेचुरल पिंक हो और सॉफ्ट हो। फटे हुए और ड्राई लिप्स किसी को भी अच्छे नहीं लगते। सर्दियों में ज़्यादातर हवा से लिप्स फट जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं, जिससे हमारे लिप्स सुंदर नहीं लगते और कई बार ज़्यादातर धूप में रहने से भी लिप्स काले पड़ जाते हैं, जो अच्छे नहीं लगते। और बॉयसों में स्मोकिंग करने से भी लिप्स ख़राब हो जाते हैं। गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडीज़ के बारे में बताऊंगी, जिसको लगाने से आपकी लिप्स नेचुरल पिंक हो जाएंगे। और इस होम रेमेडीज़ को बनाना बहुत ही आसान है। गाइस, कभी कभी ज़्यादातर हम तरह तरह के लिपस्टिक यूज़ करते हैं, जिससे हमारे लिप्स ख़राब हो जाते हैं। तो गाइस, इस रेमेडीज़ को लगाने के बाद आपकी पिंक सॉफ्ट नेचुरल हो जाएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप नोटिफाइड रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्टेड। गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर नेचर्स का एलोवेरा यूज कर रही हूँ। ये 100% प्योर है। और गाइस, मैं यहाँ पर ग्लिसरीन ऐड कर रही हूँ, ये ग्लिसरीन। और मैं यहाँ पर बीटरूट आधा ले लिया है, आधा निकाट कर मैंने इसका जूस पहले से निकाल लिया है, ये जूस तैयार कर लिया है। और मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, ये 100% प्योर है। गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हम एक बाउल लेंगे, इस बाउल के अंदर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बीटरूट निकाल रही हूँ। हमें जितने लिप बाम बनानी है, हम उसके अकॉर्डिंग बीटरूट निकाल लेंगे। गाइस, बीटरूट एक नेचुरल स्टैंड की तरह काम करता है। गाइस, बीटरूट निकालने के बाद मैं यहाँ पे नेचर्स का एलोवेरा ऐड करूंगी। थोड़ा सा हम यहाँ पे नेचर्स का एलोवेरा ले लेंगे। गाइस, अब मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल 100% प्योर है और ये हमारे लिप्स को मॉइस्चर करता है और हेल्थी बनाता है। ये ड्राई लिप्स को रिपेयर करता है। गाइस, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिप कलर को लाइट करता है और ये टैनिंग को भी रिमूव करता है। इसमें फैटी एसिड पाया जाता है और SPF 3 होता है। अब मैं इसमें ग्लिसरीन ऐड करूंगी। ग्लिसरीन गाइड हमारे फटे हुए होठों को रिपेयर करती है और ये हमारे लिप्स को सॉफ्ट बनाती है। अब मैं इसमें विटामिन ई कैप्सूल ऐड कर रही हूँ। गाइस, अगर आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप नहीं भी ऐड कर सकते हैं। सब ऐड करने के बाद गाइस, हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। गाइस, इस तरीके से धीरे धीरे इसको अच्छे से मिला लेंगे, जिससे इसमें एलोवेरा ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। गाइस, ये हमारी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। गाइस, बीटरूट एक नेचुरल स्टैंड की तरह काम करता है। ये हमारे लिप्स को नेचुरल पिंक और सॉफ्ट बनाता है। गाइस, बीटरूट एक ब्लीचिंग की तरह काम करता है। ये हमारे जो फटे और जो ड्राई लिप्स है, ये उसको रिपेयर करता है और लिप्स को नेचुरल पिंक बनाता है। गाइस, इस लिप बाम को मैं अब अपने हाथ पे आपको लगाकर बताऊंगी। गाइस, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। गाइस, इस लिप्स पर लगाने से आपके लिप्स 2 या 3 दिन में आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा और आपके लिप्स बिल्कुल पिंक होने लगेंगे। गाइस, इस लिप बाम को लगाने के बाद आपको लिपस्टिक लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक नेचुरल है। गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। गाइस, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये होम रेमेडीज़ कैसी लगी।